अंधेरा होने के साथ ही ज्वेलरी दुकान में हथियार के बल पर अपराधियों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। पिस्तौल के बल पर स्थानीय का बाइक भागने के लिए भी लूटा। लुटेरे का एक बाइक घटनास्थल पर ही छूटा। जांच में जुटी पुलिस। धनबाद जिले में अपराधियों के मन में पुलिस का डर लगता है समाप्त हो चुका है। अंधेरा होने के साथ ही शाम में लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जा रहे हैं। शाम के समय व्यस्त बाजार में अपराधी ज्वेलरी दुकान को अपना निशाना बनाते हुए हथियार के बल पर लूट कर फरार हो गए। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के निकट एक ज्वेलरी दुकान में हथियार से लैस अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। शाम के लगभग 4:45 बजे बाइक सवार 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर शिवशंकर ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया। ज्वेलर्स दुकान मालिक को रिवॉल्वर की बट से मारकर घायल भी कर दिया और अपने साथ लाखों की ज्वेलरी लूट कर चलते बने। घटना के बाद पुलिस SDPO अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लूट की घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी ज्वेलरी शॉप के ओनर ने बताया कि बाइक से उतरकर एक अपराधी सोने की अंगूठी खरीदने की बात कहते हुए दुकान में घुसा। इसी बीच दूसरा भी पहुंचा और दोनों ने पिस्तौल लहराते धावा बोल दिया, फायरिंग भी की, उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया और जो जल्दबाजी में जो लूट सके लूट कर चलते बने। ज्वेलरी शॉप का CCTV कैमरा तकरीबन 1 वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, भागने के क्रम में अपराधियों ने सरकारडी के एक शख्स की मोटरसाइकिल हथियार के बल पर छीन ली और जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी बाइक लेकर भाग खड़े हुए, जबकि अपराधी जिस बाइक से पहुंचे थे वह बाइक छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने बाइक चोरी का बताया है। वही घटना के संबंध में पूछे जाने पर DSP अमर कुमार पांडे ने बताया कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों को पुलिस यथाशीघ्र ढूंढ लेंगे, क्योंकि लूटपाट की घटना CCTV कैमरे में कैद नहीं हुई है, लेकिन आसपास के CCTV कैमरे की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। आकलन किया जा रहा है, चूंकि उनको भी हल्की फुल्की चोटें आई है, तो अभी वो मिलान कर रहे हैं अपने स्टॉक का और बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत जो है मात्रा जो है ज्वेलरी की वो उनसे लूटी गई है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी संघर्ष हो गया था अपराध कर्मियों का, तो वो लूट की घटना को ज़्यादा मात्रा में सामान नहीं लूट कर ले जा सके हैं। अभी उनके द्वारा आकलन किया जा रहा है, फिर वो जितनी मात्रा लिख करके आवेदन में देते हैं उसके अनुसार हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे, फिर अग्रतर अनुसंधान करेंगे। अपराधियों के द्वारा मोटरसाइकिल भी छोड़ी गई है, दूसरे का मोटरसाइकिल लेकर के भागने की बात आ रही है। एक बाइक छोड़ी गई है, लाल कलर की बोकारो नंबर की बाइक छोड़ी गई है, लेकिन उसमें नंबर प्लेट गलत लगा हुआ है और इंजन चेसिस नंबर कुछ और आ रहा है। एक व्यक्ति की बाइक स्प्लेंडर प्रो लूटी गई है और हम लोगों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग भी सघन तरीके से की जा रही है और जो भी तमाम पहलू हैं, जो भी बिंदु हैं, जो भी संभावित मेथोडोलॉजीज हैं उसके संदर्भ में हम लोग के द्वारा जांच की जा रही है और हम लोग उद्भेदन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।